Hello everyone, how are you? Hope you are doing very well. And in the previous video, we have discussed the Muslim law is a personal law, and it is, you know, civil. It is a branch of civil law basically, and deals with individual rights. So this was we have discussed in the previous video. Other than this, we have covered determination of Muslims, how we can determine whether an individual is Muslim or non-Muslim. And today we have a new topic, which is what is Islam. अगर हम religious sense में बात करें तो Islam क्या है? Islam का मतलब है कि submission to the will of Allah, right? And अगर हम secular sense में बोलें इसी को, तो it is establishment of peace, right? And other than this, इसका object क्या है Islam का? तो object of this religion is to create a sense of obedience and submission to Allah, and thereby to walk over on right path. Those who follow this path are Muslims. It enjoying the duty of surrendering to God's will, Allah's will, means letting go of whatever is holding us back from seeing His faithfulness, God's perspective and plan are far greater than anything we can imagine. You know, we cannot imagine what the God has decided, what Allah has decided, more than we do, and has every detail of our life under control. मतलब अगर हम बोलें कि मुस्लिम लॉ के अंदर या इस्लाम के अंदर क्या है कि इस्लाम के अंदर ये बताया जाता है कि जो भी कुछ कर रहे हैं हम, ठीक है, वो हमारी इमेजिनेशन से भी कहीं परे है जो अल्लाह ने हमारे लिए सोच रखा है. ठीक है, अल्लाह ही हमारे को एक राइट पाथ दिखाता है जिस पे हमें चलना है. ठीक है, उसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ वो चीजें फॉलो करनी है उस चीज के लिए. तो दिस इज ऑल अबाउट इस्लाम. इस्लाम हमारे को क्या सिखाता है? इस्लाम पीस सिखाता है कि हमें एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहना है. थिंक इज कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम लॉ. वन इज शरीयत लॉ एंड अदर वन इज अ फिक. अगर हम शरीयत लॉ की बात करें तो शरीयत लॉ जो है वो अपने आप में रिवील्ड लॉ है, राइट? शरीयत लॉ अगर मैं लिटरली अगर उसका मीनिंग बताऊं आपको, उसका मतलब है कि जो किया हुआ है प्रोफेट मोहम्मद ने, ठीक है, उसे हम कहते हैं सुन्नत. जो उन्होंने करा, जो उन्होंने बोला और जो उन्होंने टोका नहीं हमको किसी भी चीज में, वो हमें करना है. ठीक है, वो हमें फॉलो करना है इस शरीयत के अंदर. ठीक है, तो शरीयत लॉ क्या है कि जो भी हमारे चीजें वो लिख के गए हैं, ठीक है, हमारे जो सोर्स ऑफ लॉस के अंदर कहीं ना कहीं जो एंशियंट सोर्सेज ऑफ लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि शरीयत लॉ अपने आप में एक वाइडर एस्पेक्ट रखता है कहीं ना कहीं. ठीक है, हम अगर इसके बारे में बात करें अगली कि शरीयत लॉ है क्या. शरीयत लॉ मीन्स the totality of Allah's commandments, right? It is a doctrine of duties, legal considerations and individual rights have secondary place in it. मतलब अगर ये जो जितनी भी चीजें हमारी बॉडी जो फॉर्म ऑफ बॉडीज ऑफ मुस्लिम कॉमन लॉ है क्या है, वो जैसे कुरान हो गई, हदीस हो गई, सुन्ना हो गया, इज्मा, कियास, these all are things related to the form of bodies of Muslim common law known as a Shariat. In जो पांच चीजों का combination है, ठीक है, उसको ही हम Shariat बोलते हैं. तो Shariat is a divine origin, an Islamic code of conduct for the all aspects of human life. It is not law in the modern sense, but it is a guide of ethics. अब फिक क्या है? ये तो हो गया शरीयत लॉ. फिक क्या है? फिक क्या है? द फिक और कुरान और शरीयत प्रोवाइडेड ओनली द रॉ मटेरियल. एज आई टोल्ड यू दैट जो उन्होंने करा, जो उन्होंने किया उस टाइम में, वो सब चीजें इसमें लिखी हुई हैं.
जो कि अल्लाह की कमांड्स थी, ठीक है, वो इसके अंदर लिखी हुई है। बट अब अगर हम मॉडर्न सेंस में बात करें, मॉडर्न सेंस में क्या होता है कि कुरान और शरीयत ने जो आपको प्रोवाइड करा था वो तो एक कच्चा मटेरियल टाइप है, ठीक है, और जो कि हम उसे लीगल फैब्रिक की तरह यूज करते हैं अपने फील्ड में, जहां पे कुछ भी चीजें जो छूटी हुई हैं कहीं ना कहीं इन तीनों चार जो पांच चीजें मैंने बताई, कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, सुन्ना के अंदर, इज्मा के अंदर और कियास के अंदर, कहीं भी ऐसी चीजें जो छूट गई इन सब चीजों में से भी, तब हम फिक्र के ऊपर आते हैं। बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट टर्म में बताऊं आपको कि ये एक नॉलेज है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है, कि उसको हम जब किसी ना किसी चीज की कमी है कहीं, जो ऊपर वाले जो फॉर्म ऑफ बॉडीज बताए मैंने आपको उसके अंदर, तब आपको क्या करना है, इस माइंड का यूज करना है, आपको अपनी नॉलेज का यूज करना है टू डिटरमाइन व्हाट इज गुड और बैड, ठीक है। तो हियर इन फिक अकॉर्डिंग टू जुरिस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्शन फॉर ह्यूमन एक्शन इन द वर्ड्स ऑफ गॉड और ट्रेडिशंस ऑफ प्रोफेट, द ह्यूमन रीजनिंग फॉर द एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन नॉलेज इन डिसाइडिंग अ पॉइंट ऑफ लॉ इज नेसेसरी, राइट। ह्यूमन इंटेलिजेंसी और नॉलेज ऑफ द लॉ इज टेक्निकली कॉल्ड फिक। फिक इज द नेम ऑफ गिवन टू द साइंस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस बिकॉज इट इम्प्लाइज द इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज ऑफ इंटेलिजेंसी इन डिसाइडिंग अ पॉइंट ऑफ लॉ। फिक इज देयरफॉर अ पार्ट ऑफ सेक्युलर लॉ विच अ अथॉरिटी इम्पोज फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन कंडक्ट। सो दिस इज ऑल इन फिक। तो हम दोनों अगर फिक और हम शरीयत लॉ के अंदर डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा, फिक और शरीयत लॉ के अंदर डिफरेंस यही है कि वहां पे जो चीजें लिखी हुई हैं वो वाइडर सेंस में मानी जाती हैं जो आपकी शरीयत लॉ के अंदर लिखा हुआ है, वेयर एज फिक इज समवेयर इन अ नैरोअर सेंस, ठीक है, कि वो कहीं ना कहीं नैरो है उससे रिलेटेड। तो जहां पर लॉ आपके इफेक्टिव नहीं है, जो क्या कुरान और इन सब चीजों में नहीं लिखा हुआ है, उसके बाद वी कम्स टू द फिक। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।